हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेशियल के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हमें हमेशा अपनी स्किन अकॉर्डिंग ही फेशियल करवाना चाहिए, तो मुझे काफ़ी सारी क्यूरी यही आ रही है कि गोल्ड फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या बेनिफिट होंगे, डायमंड फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या बेनिफिट होंगे, फ्रूट फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या क्या मिलेंगे बेनिफिट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करने जा रही हूँ कि डायमंड फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या क्या बेनिफिट होंगे, किन लोगों की स्किन को सूट है डायमंड फेशियल और किस एज में डायमंड फेशियल करवाना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों की स्किन को सूट करेगा डायमंड फेशियल। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है, या अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, तो आप डायमंड फेशियल डेफिनेटली करवा सकते हो। तो इन लोगों की स्किन को सूट करता है डायमंड फेशियल। तो अब हम बात करते हैं कि डायमंड फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या क्या मिलेंगे बेनिफिट। तो इसका फर्स्ट मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आपकी स्किन डस्ट या पोल्यूशन के कारण काफी ज्यादा डल दिखना स्टार्ट हो गया, तो आप डायमंड फेशियल ले सकते हो। तो अगर आपको टैनिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जो अक्सर हमें समर सीजन में फेस करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली अपनी टैनिंग को रिमूव करने के लिए आप डायमंड फेशियल भी करवा सकते हो। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट या ब्लेमिशेस या स्किन काफी ज्यादा अनइवन दिख रही है, तो डेफिनेटली आप डायमंड फेशियल करवा सकते हो। और इसको करवाने का एक और बेनिफिट यह है कि अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जैसी भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसको भी दूर करने के लिए, उनको भी रिमूव करने के लिए बेस्ट है डायमंड फेशियल। यानी कि आपको डायमंड फेशियल करवा लेना चाहिए, क्योंकि डायमंड फेशियल में काफी ज्यादा एक्सफोलिएंट की होती है प्रॉपर्टीज, तो जिसके कारण आपके जो ये ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी दूर। और इसका लास्ट और मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आपको स्किन सैगिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्किन है फेस की काफी ज्यादा लूज होना स्टार्ट हो गया, तो डेफिनेटली आपको डायमंड फेशियल करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप रेगुलरली डायमंड फेशियल लेना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी स्किन सैगिंग जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी जो स्किन है फेस की स्किन आपको काफी ज्यादा टाइट दिखना हो जाएगी स्टार्ट। तो इसीलिए बोला जाता है 25 के बाद आपको डायमंड फेशियल लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो आपकी स्किन है टाइट रहे और आपको फाइन लाइंस, रिंकल जैसी प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में ना फेस करनी पड़े। तो ओवरऑल गाइस, ये है कुछ बेनिफिट डायमंड फेशियल करवाने की। तो अब हम बात करते हैं कि किस एज में डायमंड फेशियल करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आपकी एज 25 प्लस है, तो डेफिनेटली आपको 25 के बाद डायमंड फेशियल करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपके फेस पे अर्ली स्टेज में फाइन लाइंस या रिंकल जैसी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको रेगुलरली डायमंड फेशियल करवाना चाहिए, क्योंकि डायमंड फेशियल में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। तो 25 के बाद आप डायमंड फेशियल करवा सकते हो। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक ऐसा डायमंड फेशियल जो अफोर्डेबल भी है, जिसमें हार्मफुल केमिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर जब भी हम बाहर जाते हैं डायमंड फेशियल करवाने, वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं और कई बार तो उनमें काफी सारे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक अफोर्डेबल केमिकल फ्री डायमंड फेशियल। सो प्लीज गाइस कीप। सो ये है मेरे पास रूपंता डायमंड फेशियल किट फॉर स्पार्कलिंग एंड रेडिएंट स्किन कॉम्प्लेक्शन। तो इस किट का प्राइस है 398 रुपीस और 1 ईयर की है शेल्फ लाइफ। और ये फेशियल किट आपको इस तरह से बॉक्स में मिलती है, और बॉक्स में आपको इंडिविजुअल पैक इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये 5 स्टेप का फेशियल है और इन्होंने 5 डिफरेंट जार दिए हैं, और प्रॉपर मेंशन है हर जार के ऊपर कि किस स्टेप में आपने किसका करना है प्रॉपर यूज़। तो ये है इस किट की इनर पैकेजिंग। तो अब मैं करूँगी इसके हेल्प के साथ अपना फेशियल। सो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले फेस वॉश की हेल्प के साथ आप अपने फेस को अच्छी तरह से कर लें क्लीन। देन फर्स्ट स्टेप में आपने यूज़ करना है इस डायमंड क्लेंजिंग मिलक का। तो इस क्लेंजिंग मिलक में उन्होंने यूज़ किया है डायमंड ऐश का, तुलसी का, नींबू का और मुलेठी का किया है उन्होंने यूज़। तो इसकी हेल्प के साथ आपने 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है, ताकि आपका जो फेस है डीपली क्लीन हो जाए, सारी इम्प्योरिटीज़ और डर्ट रिमूव हो जाए। देन मसाज करने के बाद आप कॉटन पैड की हेल्प के साथ आप अपने फेस को कर लें क्लीन। तो इसी के साथ स्टेप 1 हो गया हमारा कम्प्लीट। तो स्टेप 2 में हमने यूज करना है डायमंड स्क्रब का। तो इस स्क्रब में यूज किया है उन्होंने तुलसी का, नीम का, मुलेठी का, अखरोट का, इमली फ्रूट का। तो इस स्क्रब की हेल्प के साथ जितनी भी आपकी डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी हो जाएंगे रिमूव। तो ये क्रीम बेस्ड स्क्रब है, तो ड्राई स्किन को डेफिनेटली करेगा सूट। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करना है इस स्क्रब की हेल्प के साथ, ताकि आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो हो जाए रिमूव। तो इसी के साथ हमारा 2nd स्टेप भी हो गया कंप्लीट। देन आपने फेस को वेट स्पंज की हेल्प के साथ अच्छी तरह से कर लेना है क्लीन। तो अब है हमारा 3rd स्टेप। तो 3rd स्टेप में हमने यूज़ करना है मसाज जेल का। तो आप देख सकते हो इस मसाज जेल का कलर है एकदम से टर्कोइज
ब्लू, तो स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस मसाज जेल की। और इस मसाज जेल में उन्होंने यूज़ किया है वज्रभस्म का, तुलसी का, नीम का और लेमन का किया है यूज़, और जिससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। और जो भी अर्ली स्टेज में आपको फाइनेंस और रिंकल जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो भी आपकी होगी दूर। तो कम से कम 10 मिनट तक मसाज करें ताकि जो ये जेल है अच्छी तरह से आपकी स्किन में हो जाए एब्जॉर्ब। तो बाद में आपने नॉर्मल वाटर की हेल्प के साथ अपने फेस को कर लेना है वॉश। तो कम से कम मसाज करें 10 मिनट तक। डेफिनेटली आपने सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में और एकदम से फेस को टाइट करके करनी है मसाज। देन 4 स्टेप में आपने यूज़ करना है इस डायमंड पैक का, और इस डायमंड पैक को आपने डायरेक्ट एक थिक लेयर अप्लाई कर लेनी है, कुछ भी इसमें आपने मिक्स नहीं करना। इस फेस पैक में उन्होंने यूज़ किया है डायमंड एश का, लेमन का और मलेठी का और मिंट का यूज़ किया है, जिसके कारण आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी मिलती है जब हम इस फेस पैक का करते हैं यूज़। तो इस फेस पैक को ड्राई होने के बाद आप रिमूव कर लें या फेस को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर की हेल्प के साथ कर लें क्लीन, तो आप देखोगे कि आपको फील उसी टाइम पर होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। तो इस फेस पैक के बाद आपकी स्किन इंस्टेंटली टाइट हो जाती है। तो लास्ट में आपने यूज़ करना है इस डायमंड की ब्रशिंग क्रीम का, जिसमें उन्होंने यूज़ किया है वज्रभस्म का, तुलसी का, ऑलिव ऑयल का और आलमंड ऑयल का। इस क्रीम के साथ 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें, और ताकि जो ये क्रीम है आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बाद में आपके फेस को ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अगर आप ये फेशियल किट का यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके जो डार्क स्पॉट है लाइट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि एक बार फेशियल किया जो डार्क स्पॉट है उसी टाइम पे कम्प्लीटली 100% हमेशा के लिए हो जाएंगे दूर, ऐसा नहीं होता। किसी भी किट का ऐसा रिजल्ट नहीं होता। जस्ट आप फेशियल जब भी करवाओगे तो आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट होंगे, और धीरे धीरे जब आप रेगुलरली करवाना स्टार्ट कर दोगे तो वो डार्क स्पॉट कम्प्लीटली हो जाएंगे रिमूव। तो ये था ओवरऑल रूप मंत्रा का डायमंड फेशियल। तो ओवरऑल गाइज, अगर मैं ये रूप मंत्रा की डायमंड फेशियल किट के रिगार्डिंग बात करूं तो डेफिनेटली इस फेशियल को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन है ब्राइटर दिखती है, आपके डार्क स्पॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट दिखेंगे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी स्किन को ब्राइटर और लाइटन करने के लिए आप रेगुलरली ये रूप मंत्रा के डायमंड फेशियल का यूज़ कर सकते हो। और इसका मेजर बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप इस किट को घर पे भी परचेज करके रख सकते हो, और जब भी आपको टाइम फ्री मिले तो आप घर पे इस तरह से डायमंड फेशियल कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइज अच्छा ऑप्शन है, केमिकल फ्री है, अफोर्डेबल है डायमंड फेशियल, तो आप इस रूप मंत्रा के डायमंड फेशियल किट को भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करने की सोच रहे हो तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी जाके कर सकते हो परचेज। सो ओवरऑल गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि डायमंड फेशियल करवाने से हमारी स्किन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किन लोगों की स्किन को सूट करता है और किस एज में हमें करवाना चाहिए डायमंड फेशियल। तो एक बात का आपने डेफिनेटली ध्यान रखना है, हमेशा अपनी स्किन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको फेशियल करवाना चाहिए। ये नहीं आप कॉस्ट को देखें कि ये फेशियल काफी ज्यादा कॉस्टली है, अगर हम इसको करवाएंगे तो हमें रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पहले आप अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट देखें। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है, इवन अनइवन आपकी स्किन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फेशियल करवाना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उस अकॉर्डिंग फेशियल करवाना चाहिए। अगर आपने किसी पार्टी पे जाना है, काफी ज्यादा आपको ग्लो चाहिए, तो आपको उस अकॉर्डिंग करवाना चाहिए फेशियल। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली फेशियल करवाने के बाद आपको मिलेंगे 100% रिजल्ट। और ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो, एंड आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। देन प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।